हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर रूप किशोर, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंतर्गत, इसको द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के संबंध में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप इसी तरीके की नोटिफिकेशन और अपडेट चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ इस नोटिफिकेशन को आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं www.svsu.ac.in। और यहां से आप देख सकते हैं, ऑफलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर अपॉइंटमेंट फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस फ्रॉम 2011-2023 टू 10-12-2023। तो इसमें 20 नवंबर 2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 10 दिसंबर 2023 इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, इसमें ऑफलाइन एप्लीकेशन करना होगा, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और उसको फिल करना होगा और उसके साथ फीस का जो रेस्पेक्टिव फीस है उसका जो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में उसको फीस को पे करना होगा और ऑफलाइन फॉर्म और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा। और सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 10-12-2023 है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंट पोस्ट है। तो स्किल असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक पे लेवल 10 के सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर में 4 पोस्ट हैं, केमिस्ट्री में 3, सिविल इंजीनियरिंग में 1, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 9, इकोनॉमिक्स में 2, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3, इंग्लिश में 2, एनवायरमेंटल साइंस में 1, ज्योग्राफी में 1, जर्मन में 2, हिस्ट्री में 1, जैपनीज में 2, मैनेजमेंट में 12। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में 3, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 4, म्यूजिक में 1, फिजिक्स में 3, पॉलिटिकल साइंस में 1, साइकोलॉजी में 2, पब्लिक हेल्थ में 2, सोशियोलॉजी में 1, स्टैटिस्टिक्स में 2, विजुअल आर्ट्स में 1 और योगा में 1। तो इस प्रकार से टोटल आप देख सकते हैं 25 सब्जेक्ट्स में वैकेंट पोजिशंस हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं, एप्लीकेंट डिजायर टू अप्लाई फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू सेंड द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फीस एंड ऑल द सपोर्टिंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इन द सील्ड एनवेलप। और उस एनवेलप पे आपको ये लिखना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्किल असिस्टेंट प्रोफेसर इन सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होगा एंड कैटेगरी ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप और टू द फॉलोइंग एड्रेस बाय क्लोजिंग डेट। और जो क्लोजिंग डेट है वो 10-12-2023 है अप टू 5 PM। और जो एड्रेस आप यहाँ से नोट कर सकते हैं किस एड्रेस पे आपको अपना फॉर्म भेजना है, द असिस्टेंट रजिस्ट्रार एस्टेब्लिशमेंट, सेकंड फ्लोर एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच एडमिन ब्लॉक, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, विलेज दुधोला, पलवल, हरियाणा 121102। तो इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप नोट कर सकते हैं www.svsu.ac.in। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप पेज नंबर 3 से आप देख सकते हैं। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस और इसी के साथ अदर सब्जेक्ट की आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से देख सकते हैं। कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और नेट क्वालिफाई होना चाहिए, जो कि UGC या CSIR के द्वारा कराया जाता है। और इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिनकी की PhD UGC रेगुलेशन 2009 या फिर UGC रेगुलेशन 2016 के तहत है तो उन्हें नेट सेलेक्ट या सेट से छूट दी जाएगी। और ऐसे कैंडिडेट जिनका का PhD के लिए रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पूर्व हो चुका है तो उन कैंडिडेट को भी नेट सेलेक्ट सेट से छूट दी जाएगी, मगर उन कैंडिडेट को ये 5 conditions ABCDE, इन 5 condition के फुलफिलमेंट का सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड कराना होगा। और इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक में से PhD की हो और उन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग QS के द्वारा की गई हो या फिर द टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा की गई हो या फिर ARWU संघाई जियोटोंग यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई हो, तो ऐसे कैंडिडेट भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की आप यहाँ से देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, हाँ पेज नंबर 7 से आप देख सकते हैं जो इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट्स के लिए या गाइडलाइंस हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम फीस की बात करते हैं तो पेज नंबर 9 पर आपको कंडीशन नंबर 24 आप यहाँ से फीस के बारे में देख सकते हैं, द फीस शुड बी पेड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। तो फीस जो है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पे करनी होगी और डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनेगा आप यहाँ से देख सकते हैं, रजिस्ट्रार श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, पेबल एट गुरुग्राम। और द कैटेगरी वाइज फीस डिटेल जो है, फॉर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ₹1000 फीस है और अदर जो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेज एक्स सर्विस मैन और वुमेन और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ₹250 फीस है। और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फीस, कोई फीस नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं
इसके अलावा बाकी सभी कंडीशंस आप इस नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं। और पेज नंबर 12 से आप देख सकते हैं क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट टेस्टिंग और सिलेक्शन फॉर द स्किल असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अपना स्कोर आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट की ग्रेजुएशन में 80% या उससे अबव है तो 15 स्कोर मिलेगा, 60% टू 80% है तब 13 स्कोर मिलेगा, 55% टू लेस देन 60% है तब 10 स्कोर मिलेगा, और 45% टू लेस देन 55% है तब 5 स्कोर मिलेगा। इसी प्रकार से आप अपने मास्टर डिग्री के कैलकुलेट कर सकते हैं, एम फिल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, पी एच डी के 30 मार्क्स हैं, नेट विद जे आर एफ 7 मार्क्स हैं, नेट केवल नेट के 5 मार्क्स हैं, स्लेट या सेट के 3 मार्क्स हैं, रिसर्च पब्लिकेशन एक रिसर्च पब्लिकेशन के 2 मार्क्स से और मैक्सिमम 5 रिसर्च पब्लिकेशन को शो किया जा सकता है मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए। इसी प्रकार के टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 1 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 2 मार्क्स हैं और मैक्सिमम 10 मार्क्स यानी कि 5 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस को शो किया जा सकता है। और इसके अलावा अवार्ड्स कैटेगरी में अवार्ड्स गिवन बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल बॉडी के जो अवार्ड हैं तो उसको 3 स्कोर मिलेगा, और अवार्ड्स गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट तो 2 स्कोर मिलेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो एम फिल पी एच डी मैक्सिमम 30 मार्क्स, जे आर एफ नेट सेट मैक्सिमम 7 मार्क्स, इन अवार्ड्स कैटेगरी मैक्सिमम 3 मार्क्स, और नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। और सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हैं, द सिलेक्शन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्कोर अवार्डेड ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। तो रिटन टेस्ट जो होगा 50 मार्क्स का होगा, टीचिंग स्किल जो होगी 30 मार्क्स की होगी, और इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार टोटल 100 मार्क्स का स्कोर होगा जिसके बेस पर सिलेक्शन होगा। और बाकी आप एनेक्शर यहाँ से देख सकते हैं, ये एनेक्शर फॉर्मेट है, सर्टिफिकेट फॉर्मेट है फॉर द कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी प्रोग्राम पीरियड टू जुलाई 11, 2009। और इसके अलावा इस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा। और एनेक्शर सी जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, फॉर द कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम ऑन और आफ्टर जुलाई 11, 2009। और तो बाकी सभी आप यहाँ से फॉर्मेट देख सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो 10 दिसंबर 2023 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही आपको जो ऑनलाइन जो सॉरी ऑफलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है वो मिल जाएगा। तो आप यहां से देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्किल असिस्टेंट प्रोफेसर, ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है। आपको वहाँ से डाउनलोड करना होगा और उसको फिल करना होगा। जैसे कि आप पेज नंबर 1 पे देख सकते हैं आप, डीडी नंबर, अमाउंट, इशूइंग बैंक, डेट, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, पोस्ट कोड, एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो बाकी सभी चीज़ें इस तरीके से आप फिल करके आप देख सकते हैं। ये टोटल 7 पेज का फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, इसको फिल करना होगा। और इसके साथ सभी सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कॉपीज आपको लगानी होंगी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। तो ये थी पूरी जानकारी वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच।